गेम बहुत ही अच्छी चीज़ है गेम खेलना सेहत के लिए बहुत मुफीद है और गेम खेलकर इंसान लाखों रुपया आज कमा रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर गेम खेल रहे हैं लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और गेम खेलकर बच्चे मोटे हो रहे हैं सो नहीं रहे हैं लोग चाहते हैं कि बच्चे बाहर ना खेलें घर पे ही रहें और गेम का फायदा ये हो रहा है कि बच्चे घर ही पर रह रहे हैं और घर पर ही खेल रहे हैं पूरा दिन खेल रहे हैं पूरी रात खेल रहे हैं बाहर नहीं जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है ये मैं नहीं बल्कि हमारा माशरा और हमारे बच्चे जो आज गेम में लगे हुए हैं ये उसका नतीजा है और एक कल एक बात और सुनने में मिली एक बहुत ही मुजर्रब शख्स ने यह बात बताई है के जो हजरत गेम खेल रहे हैं शादी शुदा अगर नहीं है तो वो पढ़ाई छोड़े हुए हैं स्कूल छोड़े हुए हैं और अपना घर बार घर काम सब कुछ छोड़े हुए हैं गेम में लगे हुए हैं लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों ने अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ रखा है सिर्फ गेम के चक्कर में बीवी बच्चों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तलाक दे दी है या उनसे अलग हो गए हैं यानी एक ही बेड पर लेटे हुए हैं लेकिन बीवी तड़प रही है कि मेरा शोहर मुझसे बात करे बच्चे तड़प रहे हैं मेरे बाप मुझसे बात करे लेकिन बात वो पहले से गेम में मुबतला था और आज भी उसकी गुस्से लत इतनी लगी हुई है गेम में आगे बढ़ने की स्टेप में आगे बढ़ने की कि वो बीवी को छोड़कर भी नई नवेली बीवी को छोड़कर अपने गेम में लगा हुआ है वो बीबी क्या सोच कर आई थी कि मैं किसके साथ जा रही हूँ किसके पास जा रही हूँ बड़े अरमानों से आई थी लेकिन आज यह हाल ये हाल यह है कि वो उस ऐसा लगता है कि उस लड़के ने शादी उस लड़की से नहीं बल्कि मोबाइल से कर रखी है उसका खाना उसका पीना उसका सोना सब मोबाइल है हमें गौर करने की ज़रूरत है आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे मैदानों चौपालों पर बैठकर जो तस्करा करते हैं वो सिर्फ गेम और मोबाइल का करते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे बाप भी मोबाइल चला रहा है बड़ा भाई भी मोबाइल चला रहा है बेटी के पास अलग मोबाइल है बड़े भाई के पास अलग मोबाइल है गेम के नाम याद हैं, गेम में हीरो के नाम याद हैं, लेकिन उनको अगर याद नहीं है तो कलमा याद नहीं है उनको नमाज याद नहीं है उनको ये याद नहीं कि मेरे नबी का पूरा नाम क्या है दीनी तालीम क्या है मेरे नबी की बेटियाँ कितनी थी बेटे कितने थे बीवियाँ कितनी थी सीरत का सीन भी हमारे बच्चों को नहीं आता है और हम खुश हैं कि हमारे बच्चे से तो मोबाइल चलाना आता है लोग बड़ी शान से कहते हैं कि जो चीज़ हम नहीं निकाल पाते वो चीज़ हमारा छोटा सा बेटा निकाल लेता है ये चीज़ ख़ुशी की नहीं बल्कि ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में रोने के बायस बन सकती है मसला यह है कि बाप भी मोबाइल चला रहा है बड़ा भाई भी मोबाइल चला रहा है बेटी के पास अलग मोबाइल है बड़े भाई के पास अलग मोबाइल है और छोटे बच्चा मांगता है उसको भी दिला देते हैं ले बेटा एक जहन्नम तू भी ले ले, और वो फिर गेम में गेम की लत उसको ऐसी लगती है ना वो पढ़ता है ना वो सोता है ना वो खाता है फिर फिर परेशान होते हैं कि हमारे बेटे को ये क्या हो गया तो मैं ये कह रहा था कि लोग गेम के चक्कर में मोबाइल के चक्कर में अपनी बीवियों को छोड़े पड़े हैं कल ऐसा ना हो कि आप अपने बेटे की शादी कर दें जो लड़की हम उसके लिए बिहा ले कर लेकर आएंगे कल ऐसा ना हो कि वो बीवी ऐसी तलबती रहे कि मेरा शोहर मेरे पास आए और वो गेम में लगा रहे हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं किसके साथ स्कूल जा रहे हैं हमारे बच्चों पर ध्यान रखना ज़रूरी है क्या कर रही हैं ख़ाली टाइम में क्या कर रही हैं हमको उनको समझाना है कि ख़ाली टाइम में आपको दीन की तालीम पढ़नी है दीन की तालीम पर ध्यान देना है और नुरान कायदा क़ुरान शरीफ पढ़ना है हम अंग्रेज़ी इंग्लिश हिंदी हर चीज़ के ट्यूशन लगाए हुए हैं लेकिन अगर हमने ट्यूशन नहीं लगाई हमने बच्चों को नहीं दी वो तो वह है दी तालीम आप सब से दरख्वास के अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाइए उनको इस्लामिक बनाइए ना कि उनको यहूदी और ईसाइत की तालीम दीजिए पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए